मनीषा रानी को मिला है कौन सा अवार्ड? बिग बॉस से निकलने के बाद ये है मनीषा का पहला अवार्ड। अभिषेक के साथ सॉन्ग, एल्विश के साथ सॉन्ग और सभी कंट्रोवर्सी पर आखिर क्या कहा है मनीषा ने, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज पे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनीषा रानी जो कि बिग बॉस की काफ़ी हिट कंटेस्टेंट रही हैं और ये सेकेंड रनर अप भी थी। बिग बॉस से निकलने के बाद धड़ाधड़ इनके गाने आ रहे हैं और जल्द ही एल्विश के साथ एक सॉन्ग में नज़र भी आने वाली हैं। वहीं पर इन सभी के बीच में कुछ फैंस थे वो नाराज़ थे क्योंकि अभिषा म्यूजिक वीडियो नहीं आया। हालांकि मनीषा ने इस पे कहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैं क्यों मना करूंगी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ म्यूजिक वीडियो करना, मैं ज़रूर इसके साथ म्यूजिक वीडियो करना चाहूंगी। वहीं बात करें अवार्ड की तो मनीषा रानी को मिला है रियलिटी शो एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड। जी हाँ, मनीषा रानी नजर आई इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड एंड कन्वेंशन 2023 पावर्ड बाय ब्रांड एम्पावर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनीषा को एंटरटेनमेंट क्वीन के नाम से भी बिग बॉस में जाना गया था और अब फाइनली उनको इसका अवार्ड भी मिल चुका है। वही बात करें सवालों के क्या जवाब दिए मनीषा ने, मनीषा से जब पूछा गया नेगेटिव प्यार वाली बात पे तो उन्होंने कहा कि मैं जितना अभिषेक को जानती हूँ वो कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके बाद फिर मनीषा से अभिषेक के गिफ्ट के बारे में पूछा गया जिस पे मनीषा ने बोला, हाँ मैं बहुत खुश हूँ और हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। वहीं जल्द ही मनीषा एल्विश के साथ एक रोमांटिक म्यूजिक वीडियो में नज़र आने वाली है प्ले डीएमएफ के। आप कितने खुश हैं मनीषा रानी के इस सक्सेस से कमेंट्स में बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल टेली न्यूज़ पर।